तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनुज स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोग को लेकर आ गए हैं, और जैसा कि सेकंड सिटिंग का आपको हिंदी का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये सेट नंबर आपको बी है, आपका प्रश्न सेट जो भी हो अच्छे से आप लोग कॉपी पर लिख कर आंसर को सही ढंग से मिला लीजिएगा, ताकि आप लोग को कितना आप लोग को एग्जाम में सही आंसर हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट नंबर आपको बी का है, आपका जो भी सेट अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन चाहता था कि सभी देशों की संस्कृति हवा उनके घर के पास बहती है, तो इन किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आप लोग महात्मा गांधी ऑप्शन सी अगर आप लोग मार के आए हैं तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, यानी कहाँ पर कौन सा गाँव में हुआ था लाहौर के, तो तालाबंडी में हुआ था। अगर आप लोग ऑप्शन ए मारे हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर में बोला जा रहा है कि मछली के शीर्षक की कहानी दीदी का प्रेम प्रेमी का क्या नाम था, तो मछली के शीर्षक की कहानी में दीदी का प्रेम का क्या नाम था, तो नरेन नाम था। तो ऑप्शन सी आपको, ऑप्शन सी आपको, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा की कवि थे, तो शेक्सपियर किस भाषा की, तो शेक्सपियर यहाँ पर आप लोग जर्मन भाषा की आप लोग के कवि थे। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग मारे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पांच नंबर में बोला जा रहा है कि रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई एक गायिका थी। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग माने हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि, तो यहाँ पर सिक्स नंबर में बोला जा रहा है कि मो असुमनी लौ बरसो कौन कहते हैं, तो लो असुमिया कोई कौन के द्वारा कहा गया जो पूछा जा रहा है, तो ये घनानंद के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि क्यों री सारसी इस छोटे से बच्चों के क्यों पीट रही है, किसने कहा था? तो ये आप लोगों को मगम्मा के द्वारा कहा गया था, जब उनके जो बहू थी जो बच्चे को पीटती थी, तो उस स्थिति में मगम्मा बोली थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मगम्मा। अब हम चलते हैं आठ नंबर की तरफ। बोला जा रहा है कि लक्ष्मी की पति कौन था, तो लक्ष्मी का पति बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था, तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग मारे हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नौ नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे, तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कविकार, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको गुजराती भाषा के थे कथाकार। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग मारे हैं तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दस नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि एस रंगरंज वास्तविक नाम क्या था, एस रंगरंजन का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा सुजाता। ऑप्शन बी अगर आप लोग मार के आए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी थी, किसके पास चली गई थी भैंस भागकर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ग्यारह नंबर क्वेश्चन में कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई थी, तो भैंस भागकर माँ के पास चली गई थी, तब बहादुर को बहुत मार मारी थी माँ ने उसने, तो माँ के पास। आपको अगर ऑप्शन बी मारे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बारह नंबर में बोला जा रहा है कि निबंध के लेखक है, तो निबंध के लेखक कौन है बारह नंबर में बोला जा रहा है आपको, तो यहाँ पर आपका गुणाकर मूल्य जो हो जाएगा यहाँ निबंध का लेखक है। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग मारे हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बोला जा रहा है आपको कि तार के संपादक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर आपको तो तार के संपादक जो थे वो कवि थे अगे, तो अगे अगर आप लोग यहाँ पर मारे हैं तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौबीस चौदह नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था, हिरोशिमा किस देश में था, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन, जापान में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पंद्रह नंबर की तरह कि दूर से ही ललकारते हैं कौन, मैं जवाब देता हूँ दोस्त, इस पंक्ति कौन सा पाठ से लिया गया है, तो इसमें बोला जा रहा है आप लोग कि कौन सा पाठ इस पंक्ति को जो लिया गया किससे संग्रहित है, तो एक वृक्ष की हत्या से संग्रहित है। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग माने हैं तो यह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें कौन सा आपको, तो यहाँ पर कौन सी बाक है, यानी कौन सा बाक है जो, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दो अर्थ यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त बाक। तो ऑप्शन सी अगर माने हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्रह नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, तो पदबंध का भेद नहीं है, तो इसमें आपको जो हो जाएगा कर्म बंध,
तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म पद बंध। तो ऑप्शन अगर डी आप लोग माने तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन। बोला जिस समास में दोनों दोनों पद की प्रधानता होती है उसे किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपको द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बोला गया कि द का उच्चारण स्थान क्या, बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था। तो द का उच्चारण स्थान आपको हो जाएगा दंत। तो ऑप्शन सी ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में बोला जा रहा है व्यंजन के अंत में हलंत हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है, तो हलंत लगने पर उसका मान आधा हो जाता है। ऑप्शन ए है बी आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। इसमें संधि का भेद कौन सा नहीं है, तो सुवान सुवान संधि दिया गया, व्यंजन संधि दिया गया, विसर्ग संधि गया, तो संज्ञा संधि यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें संधि का भेद नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला, तो 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ई वर्ण है, तो ई वर्ण कौन है, तो बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आप लोग को मार्क मार्क आए हैं, दीर्घ स्वर होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन सी अगर आप लोग बी मारे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में बोला जा रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद आपको हो जाएगा उत प्लस चारण। तो ऑप्शन डी बी अगर आप लोग मारे हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साहित्य का विपार्थिक शब्द क्या होगा, तो साहित्य का आपको विपार्थिक शब्द हो जाएगा सत्यवादी। तो ऑप्शन ही अगर आप लोग माने हैं तो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन सी मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए कौन सा मसाला कौन पीस रही थी जिसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ माँ पीस रही थी मसाला। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिस्मिल्ला खान का बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्ला खान का बचपन का नाम था अमरुद्दीन। तो आप लोग ऑप्शन बी अगर मारे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि सुजान रस खान किसकी रचना है, तो सुजान रस खान जो रचना है रस खान की है। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग मारे हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि बिस्मिल्ला खान की शहनाई किस मुस्लिम पर्व के नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुस्लिम पर्व को यहाँ पर हो जाएगा आपका मुहर्रम। मुहर्रम आप लोग मार के आए हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा संस्कृति की। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग माने हैं तो यहाँ बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों के लिए मैं 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को सोल्व करके तुरंत करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, ताकि आपको कितना नंबर सही हुआ है तो आप लोग को पता चले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगर आप लोग मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और इससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस पर संस्कृत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं सेम टू सेम आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।